नेशनल हाईवे 27 पर कोटा से बारा के बीच में पूरी सड़क जर्जरा अवस्था में पहुंच गई है। हालात यह हैं कि इस 4 लेन हाईवे पर कई जगह पर आधा फिट गहरे गड्ढे हो गए हैं, जिससे वाहन चालकों को परेशानी हो रही है और सड़क पर दुर्घटनाएं भी बढ़ रही है। इसको लेकर सांगोद विधायक भरत सिंह लगातार आंदोलन कर रहे हैं। पहले भी उन्होंने टोल पर जाकर प्रदर्शन किया था। कल इसी सड़क पर भाजपा नेता भवानी सिंह राजावत ने भी सांकेतिक चक्का जाम किया है। अब एक और नई कहानी सामने आई है, जिसमें सांगोद विधायक भरत सिंह ने टोल प्लाजा सहित अन्य कई जगह पर सड़क पर केंद्र सरकार पर कटाक्ष करते हुए पोस्टर लगाए हैं। इन पोस्टरों पर गडकरी के खिलाफ लिखा गया है कि वे टोल वसूली तो कर रहे हैं, लेकिन सड़क को सही करवाने पर उनका ध्यान नहीं है। भरत सिंह ने इस होर्डिंग्स पर लिखवाया कि गडकरी जोरदार तुम्हारी मस्करी, यह टोल सड़क है अधमरी, गडकरी के नाम पर लूट है, लूट सको तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब मई 2019 में ये पक जाएगा छूट। आपका संपूर्ण मैसेज है, और इस मैसेज को अगर जो सड़क पे आ रहा है आदमी, अगर उसको रोक के इसको पढ़े और उससे पूछेंगे तो उसको तसल्ली होगी कि चलो कोई तो इस बात में सरकार का ध्यान दिला रहा है, क्योंकि जो हम पत्र वगैरह लिखते हैं उसको कौन पढ़ता है। ये संदेश अगर पढ़ते हैं तो दूर तक जाएगी, यहाँ से बात कहावत है कि बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी, तो इस सड़क पर ये जो बैनर है बहुत दूर तक बात जाएगी, और आपके माध्यम से आपने इस बैनर की जो है वो जो उसको जो उसके सामने खड़े होकर आप ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जो भी इसको पढ़ेगा इस और इस सड़क पर जो पीड़ा को भुगत चुका है उसको तसल्ली होगी कि कोई इस बात को उठा तो रहा है। गडकरी तेरी मस्करी, मस्करी तो है ये टोल है अधमरी, हमने तो अधमरी कहा, ये तो गडकरी पूरी मरी हुई है, और गडकरी जी के नाम पर लूट है, भारत सरकार इसको टोल लगा रही है, हर साल उसको बढ़ा रही है, लूट रही है, तो लूट तो है ही सही, और अंतकाल पछताएगा, पछताना तय है जब पच जाएगा छूट। वो मंत्री रहे हैं और उनके कार्यकाल में ये काम नहीं कर पाएंगे तो उनको प्रायश्चित होना स्वाभाविक है, और नहीं करते हैं प्रायश्चित तो ये भी, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस सड़क के ऊपर अनेक दुर्घटनाएँ हो चुकी है, उसको किसी प्रकार का जो है कॉम्पनसेशन भी प्राप्त नहीं होता है, और उसके लिए अगर कोई सीधे तौर पर दोषी है तो वही लोग बाग हैं जो टोल वसूल कर रहे हैं।